सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 10वीं का रिजल्ट घोषित किया है, जहां सेंटर पॉइंट स्कूल में पढ़ रहे परम चेतन वस्तानी ने 99.40% अंक प्राप्त कर पूरे विदर्भ में अपना परचम लहराया है, जिनकी चारों ओर से सराहना हो रही है, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। जब बात करते हुए परम वस्तानी ने बताया कि यदि आप 10वीं के शुरुआती दौर में ही तन्मयता से पढ़ाई करते हैं और गंभीरता से चैप्टर को पढ़ते हैं तो कोई भी परीक्षा आपके लिए कठिन नहीं है। साथ ही इस वक्त उन्होंने अपने माता पिता एवं बड़ी बहन का विशेष धन्यवाद दिया, जिन्होंने किसी भी प्रकार का प्रेशर न देते हुए फ्री वातावरण में पढ़ाई करने की सहूलियत दी, जिसके बदौलत आज उन्होंने अपने पिता चेतन वस्तानी और माँ दिव्या वस्तानी का नाम पूरे विदर्भ में रोशन किया है। आगे उन्होंने बहुत कुछ कहा है, आइए देखते हैं हमारे संवाददाता के साथ। नमस्कार, एनबीसी न्यूज में आपका स्वागत है। दर्शकों, देश के विकास में बूंद बूंद का जिस सागर में सागर भरने के लिए जिस प्रकार से बूंद बूंद की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से देश का युवा है, देश के विकास में उन्नति में जितनी भागीदारी युवाओं की होती है उतनी ही आवश्यक है। दर्शकों, देखा जाए तो जो है CBSE के नतीजे घोषित हुए हैं, उसके बाद काफ़ी अच्छे जो है अचीवमेंट्स बच्चों ने छात्रों ने किए हैं, और उनमें से एक हमारे साथ मौजूद है परम वास्तानी, जिन्होंने कि 99.40% लेकर विदर्भ में टॉप किया है CBSE बोर्ड में। परम, आपका अभिनंदन है, काफ़ी बड़ा अचीवमेंट आपने इस समय किया है। क्या बताना चाहेंगे युवाओं को, किस प्रकार का संदेश देना चाहेंगे, आपने इतना बड़ा अचीवमेंट यहाँ जो है हासिल किया है? मैं बस शुरू करना चाहूँगा बोल के कि मैं अपने माता पिता, अपने परिवार और अपने टीचर्स का बहुत शुक्रगुजार हूँ। उनने बहुत हेल्प की है, बहुत गाइड किया है मुझे पूरे रास्ते। और मैं बोलना चाहूँगा लोगों को, युवाओं को, कि आप पढ़ाई को एग्ज़ाम के 10वीं के 3-4 महीने सीरियसली ले लो तो भी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, पर ट्राई करो कि शुरू से, साल के शुरू से ही आरंभ कर दो पढ़ाई, ताकि उतना प्रेशर ना आए आखिरी में। कार्यक्रम का जो है पूरे स्टडी का शेड्यूल कैसा था, किस प्रकार का कार्यक्रम आपने जो है पूरे स्टडी के शेड्यूल में किया था? मैंने एकदम प्लान आउट कर लिया था कि मुझे कब क्या करना है। मैंने मतलब एक दिन में मुझे इतनी पढ़ाई करनी है सोच के शुरू करता था, पर मतलब ज़्यादा नहीं करता था मैं, कि टाइम था तो मैं धीरे धीरे सब अच्छे से करते गया। ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी कितने आवर्स, कितना मतलब क्या बताना चाहेंगे, कितनी कालावधि आप स्टडी में बिताते हैं? ऐसे मतलब बोर्ड एग्जाम्स शुरू होने के पहले तक मैं दिन में 2-3 घंटे पढ़ लेता था, फिर एग्जाम्स के टाइम तो बढ़ ही जाता है 6-7 घंटे तक। कई बार देखा गया है पेरेंट्स जो है काफ़ी प्रेशराइज करते हैं बच्चों को कि इतने ही प्रतिशत आने चाहिए। आपके मैटर में कुछ ऐसा हुआ, आपके मामले में कुछ ऐसा हुआ है, क्या पेरेंट्स की भूमिका थी आपकी इतने बड़े अचीवमेंट? उनने बिल्कुल प्रेशराइज नहीं किया मुझे कभी, उनने हेल्प किया, गाइड किया, पर उनने प्रेशराइज नहीं किया कभी, मार्क्स के लिए डांटा नहीं मुझे। माता पिता के अलावा आपके परिजनों में, परिवारजनों में किसकी भूमिका आप आवश्यक मानते हैं इस पूरे अचीवमेंट? अपनी बहन की भूमिका मानता हूँ आवश्यक, क्योंकि उसने, वो मुझसे बड़ी है तो उसने बहुत हेल्प किया है मुझे ऐसे छोटी छोटी चीज़ें बताने में, एग्जाम में क्या क्या करना है, वो छोटी चीज़ें टिप्स जैसे देने में। पर हम आप आगे क्या करना चाहोगे, जो है टर्निंग पॉइंट होता है बच्चों का 10th, उसके बाद आप क्या करना चाहोगे? मैं अभी 11th में कॉमर्स स्ट्रीम ऑप्ट कर रहा हूँ सेंटर पॉइंट स्कूल के साथ ही, आगे जाके मैं इकोनॉमिक्स में डिग्री करूँगा 12वीं के बाद। देखा गया है कि अच्छे परसेंटेज मिलने के बाद काफ़ी लोगों की सोच होती है कि कॉमर्स आर्ट छोड़ के साइंस ही लिया जाए, लेकिन आपने जो यूनिक कॉमर्स लेने की सोची है, ऐसा क्यों? मुझे बस इंटरेस्ट है वो सब चीज़ों में, वैसे सब्जेक्ट में, मतलब जहाँ पे भी इंटरेस्ट है वो लो, जैसे कोई फोर्सफुली कोई सब्जेक्ट मत लो जो आप नहीं कर पाओगे, पर साइंस में इंटरेस्ट है तो वो लो, ह्यूमैनिटीज़ में तो वो लो। बहुत से बच्चे देखे गए हैं, बहुत से छात्र ऐसे देखे गए हैं, आज मोबाइल आया है, इडियट बॉक्स उसे बोला जा सकता है, छोटा इडियट बॉक्स जो कि काम के लिए यूज़ किया जाए तो काफ़ी आवश्यक है, और लेकिन दूसरी तौर पर देखा जाए तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए जो है काफ़ी लोग व्यस्त दिखाई देते हैं, काफ़ी छात्र व्यस्त दिखाई देते हैं, पढ़ाई की ओर उनका ध्यान नहीं होता। क्या कहना चाहेंगे उनको, क्या संदेश देना चाहेंगे? बस बोलूँगा कि मोबाइल भी ठीक है यूज़ करना है रिफ्रेश करने के लिए, पर जब कोई काम करना रहता है, एग्ज़ाम जैसी चीज़ रहती है, तब उस पर फोकस करो, ऐसे फ़ोन पे ऐसे कुछ टाइम का ब्रेक लेना है, रिफ्रेश होना है, तो वो भी गलत नहीं है, पर ऐसे पढ़ाई से पूरा फोकस मत हटाओ, फ़ोन भी ठीक किया।
फोन भी ठीक ही है, साथ ही साथ जो है फोन का अच्छा उपयोग किया जाए, ऐसा ही परम का कहना है। आपके दोस्तों का क्या भूमिका थी, साथ ही साथ आपके जो है टीचर्स थे उनकी भी क्या भूमिका थी पूरे आपके पढ़ाई के शेड्यूल? टीचर्स ने बहुत हेल्प किया है स्कूल में, एक एक चीज़ हर चीज़ अच्छे से समझा देती थी, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देते थे टीचर्स, वो भी बहुत हेल्पफुल थे। दोस्तों के साथ तो मज़े, मतलब वो पढ़ाई में भी ऐसे एक दूसरे के साथ डाउट पूछ सकते थे एग्ज़ाम के टाइम जल्दी से कोई, और ऐसे कोई हार्ड क्वेश्चन हो तो वो भी शेयर कर लेते थे। जैसे ही आपको पता चला कि आपने विदर्भ में परचम लहराया है, साथ ही साथ जो है 99.40% आपको मिले हैं, फर्स्ट रिएक्शन आपका कैसा था, साथ ही साथ माता पिता का कैसा था, और आपने जो बोला आपकी बड़ी बहन, उनका क्या मतलब रिएक्शन था उस समय? जब रिजल्ट आया तब मैं बहुत खुश हो गया, फिर उतना बड़ा रिएक्शन नहीं था, वो अचीवमेंट तब रियलाइज नहीं हुआ पूरा। मेरे माता पिता बहन बहुत खुश हो गए सुन के, तो मुझे थोड़ा टाइम लगा। वो कई बार खुशी की जो है भावनाएं शब्दों में दब जाती है, अल्फाज नहीं निकलते, कुछ ऐसा ही चित्र उस समय रहा होगा। साथ ही साथ अभी भी जो है माता पिता में काफ़ी खुशी दिखाई दे रही है परम के, जिस प्रकार से नाम उनका परम है, उन्होंने परम जो है परम कार्य करके दिखाया है, विदर्भ का नाम उन्होंने यहाँ घोषित करके जो है पूरा विदर्भ में परचम लहराया है, विदर्भ का नाम उन्होंने रोशन किया है। जिस प्रकार से देखा जाता है व्यक्ति जब से जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद जितने भूमिकाएं उसके जीवन में आती है सभी को जो है रोशन करते हुए जाता है। साथ ही साथ देखा जाए तो 10th जो है टर्निंग पॉइंट होता है व्यक्ति का, और उसी में जो है जिस प्रकार से इतना बड़ा अचीवमेंट परम ने इस वक्त जो है उन्होंने हासिल किया है, माता पिता का ही नहीं, मैं बार बार एक ही शब्द बोलना चाहूँगा, माता पिता बहन ही नहीं तो पूरे विदर्भ का नाम, और पूरे विदर्भ का ही नहीं तो पूरे देश का नाम उन्होंने रोशन किया है। क्योंकि हर सागर को भरने के लिए हर एक बूंद की आवश्यकता होती है, और हर एक बूंद देश के विकास में हर एक युवा है, और उसी प्रकार से परम ने जिस प्रकार से परचम लहराया है उसी प्रकार से आप भी स्टडी कीजिए, यही संदेश इस वक्त मैं देना चाहूँगा। साथ ही साथ जो है परम को इनविजन परिवार की ओर से इतनी बड़ी अचीवमेंट के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, साथ ही साथ आगामी भविष्य के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कैमरा पर्सन अजित कुमार के साथ मैं मनीष, इनबीसी न्यूज़ के लिए नागपुर।